मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में अब कोरोना दोबारा पैर पसारने लगा है। फरवरी महीने में पहली बार यह आंकड़ा 400 के करीब पहुंचा है। शनिवार को जारी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा 390 कोरोना संक्रमित मिले। 1 फरवरी को यह संख्या 151 थी। सबसे कम मरीज 10 फरवरी को 141 मिले थे। बीते 27 दिन की बात की जाए तो नए केस की संख्या 200 से कम रही, जबकि 11 दिन 200 से लेकर 300 और 2 दिन से 3 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। आज सबसे ज्यादा केस इंदौर में 122 और भोपाल में 102 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश के 52 जिलों में से 40 जिलों में शनिवार को जारी रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित मिले। भोपाल और इंदौर के बाद दमोह में 18, बैतूल में 13, छिंदवाड़ा में 12 और जबलपुर में 11 पॉजिटिव पाए गए। इंदौर में नगर निगम के कर्मचारियों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में निगम कर्मचारी एक युवक को पीटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चिड़ियाघर में मौजूद निगम कर्मचारी ने एक युवक की कॉलर पकड़ ली, जिस पर युवक ने निगम कर्मचारी को कॉलर को छोड़कर ठीक से बात करने की बात कही। इस पर निगम कर्मचारी भड़क गया और उसने युवक को थप्पड़ रसीद कर दिया। वहीं निगम कर्मचारी की यह हरकत वहां पर मौजूद एक युवक के कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद युवक ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस युवक की पिटाई की गई वह कांग्रेस के पूर्व पार्षद हसन मजदूरी का बेटा है। फिलहाल इस पूरे मामले में थाने में शिकायत की गई है। वहीं पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर में बीजेपी नेता बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के अंदर ही घमासान शुरू हो गया है। अरुण यादव, लक्ष्मण सिंह के बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता मानक अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मानक अग्रवाल ने कहा कि कमलनाथ ने साबित किया है कि वह पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। कांग्रेस का अंदरूनी कलह यही नहीं थमा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इशारों में पूर्व सांसद अरुण यादव पर निशाना साधा। वर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी में ये मुद्दा उठाया उनके क्षेत्र के 2 विधायक गोडसे विचारधारा वाली पार्टी में चले गए। हम तो उस विचारधारा से खींचकर लोगों को गांधी की विचारधारा से जोड़ रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। इसी के तहत स्मार्ट सिटी रोड पर स्मार्ट पार्क में पौधा लगाने के बाद मीडिया से चर्चा की और अपने पश्चिम बंगाल दौरे की जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे आज रात कोलकाता पहुंचकर कल आसपास के क्षेत्रों में परिवर्तन रैलियों में शामिल होकर कम से कम 3 सभाएं भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही परिवर्तन का बिगुल बज चुका है और भाजपा ऐतिहासिक विजय हासिल कर अपनी सरकार बनाएगी। बता दें कि बंगाल चुनाव में मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं को बीजेपी संगठन की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इंदौर में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को राहत दिलवाने के लिए डीआईजी के आदेश के बाद शहर में 24 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां जाम लगता था। यहां अब रोजाना शाम को यातायात पुलिस के साथ संबंधित थाने का बल भी तैनात किया जा रहा है। प्रयास रहेगा कि किसी भी स्थिति में जाम न लगे। अब जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात पुलिस के साथ थाने का बल भी शाम को तैनात रहेगा, ताकि जाम न लगे। शहर में कुछ और स्थान भी है जहां जाम लगता है, उनके लिए भी अलग से प्लान तैयार किया जा रहा है।